खुदा और मोहब्बत ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे, जब सिकंदर रोमाना से मिलने के लिए उसके घर जाता है, तब रोमाना सिकंदर से कहती है कि मैं एक फकीर से मिली हूँ। सिकंदर रोमाना से पूछता है कि आखिर तुम किस फकीर की बात कर रही हो। रोमाना कहती है कि एक ऐसे फकीर से जिसे पहली दफा देखने के बाद ही मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि वो एक दीवाना है। साईं सरकार, आप ये तो जानते ही हैं कि एक दीवाने की दुआ जरूर कबूल होती है। मैंने उसे हम दोनों के लिए दुआ करवाई है कि हम दोनों एक हो जाएं, और मुझे इस बात का यकीन है कि उस फकीर की दुआ जरूर कबूल होगी। सिकंदर कहता है कि तुम कब से फकीरों पर यकीन करने लगी। तब रोमाना मजीद कहती है, साईं सरकार, सिर्फ आपकी वजह से। आप ही तो कहते हैं कि ऐसी दरगाहों में जाना कितना जरूरी है। मैंने आप ही के कहने पर इन दरगाहों में जाना शुरू किया था। इधर अगर बात करें फरहाद की, जो रोमाना के बारे में सोचता है, आखिर रोमाना उससे दुआ करवाने के लिए क्यों आई। वो यही सोचता है कि मैंने तो माही के लिए भी दुआ की थी कि वो मुझे मिल जाए, लेकिन वो मुझे ना मिली, और ऐसे में उस लड़की को कैसे उसकी मोहब्बत मिल सकती है। ड्रामा से खुदा और मोहब्बत की आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है।